हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मैगनेट ग्रेन्स मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास ट्वेल्व की जो कलाइडोस्कोप बुक है उसकी पोम नंबर फाइव विच इज ट्रीज सो देखते हैं इसके सबसे पहले पोएटेस के बारे में तो जो हमारी पोएटेस हैं वो हैं एमिली डिकेंसन। द पिक्चर विच यू कुड सी ऑन माई लेफ्ट एंड साइड इज एमिली डिकिंसन जो कि इस पोम की पोएटर्स लेट्स रीड अबाउट हर

क्विंट असेंशियल पोइट्स रह चुके हैं पोइटर्स रह चुके हैं ना वॉट इज क्विंट असेंशियल क्विंट असेंशियल यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग जो किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होता है तो पोइट्स की दुनिया की परफेक्ट एग्जाम्पल uh, के तौर पे इनको कंसिडर किया जाता था शी लिवड एंड इंट्रोवर्टेड एंड हर्मेटिक लाइफ इनकी लाइफ काफ़ी इंट्रोवर्ट थी और हर्मेटिक थी यानी काफ़ी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थी और हर्मेटिक थी यानी कि इनको कम्यूनिकेट करना बातचीत करना लोगों से ज़्यादा पसंद नहीं था अनपब्लिश्ड वेरी फ्यू ऑफ अर पोम्स इन अर लाइफ टाइम और इन्होंने कुछ पोम्स काफ़ी कम पोम्स अपनी लाइफ टाइम में कुछ पब्लिश uh, करी थी और जिनका आउटपुट था यानी जितनी पोम्स या जितनी राइटिंग्स इन्होंने अपनी लाइफ में आज की डेट आज तक पब्लिश करी है वो है 1789 थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी नाइन पोम्स इन ऑल ओके तो इतनी सारी पोम्स इन्होंने पब्लिश करी है वर् पब्लिश पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश पोस्ट ह्यूमसली का मतलब आफ्टर हर डेथ इतनी सारी पोम्स इन्होंने करी थी पब्लिश इन्होंने लिखी थी कि कुछ तो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुईं हर फेमस पोम्स इंक्लूड अब इनके कुछ फेमस पोम्स के नाम हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ये कुछ उनकी एक फेमस पोम थी आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मेट आई मीट तो ये भी उनकी एक फेमस पोम थी सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एटसेट्रा और भी कई इनकी पोम्स थी जो काफ़ी फेमस थी तो यूजुअली जो एमिली डिकन्सन पोम्स लिखती थी वो कैसी लिखती थी वो लिखती थी उस टाइप की पोम्स जो कि डेथ या इमोर्टैलिटी यानी कि अमर रहने से रिलेटेड या डेथ से रिलेटेड ही होती थी इनकी मोस्ट ऑफ दी पोम्स बट आज जो हम पोम पढ़ रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट पोम है जिसका नाम है ट्रीज़ यूजली एमिली डिकन्सन जो भी पोम्स लिखती थी उनका कोई टाइटल नहीं होता था कोई नाम नहीं होता था तो जो इनकी पोम का फर्स्ट लाइन होता था ना वही नाम या टाइटल बन जाता था इनकी पोम का ओके okay? तो ये पोम स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको एक ओवरव्यू देती हूँ इस पोम के बारे में ये जो पोम है जिसका नाम है ट्रीज इसको नाम दे दिया ट्रीज लेकिन कई बुक्स में या कभी इंटरनेट पे अगर आप इस पोम के बारे में सर्च करोगे तो इस पोम का नाम आपको द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट एंड स्वंग ये जो फर्स्ट लाइन है इस पोम की इस नाम से भी आपको ये पोम मिल सकती है क्योंकि एमिली डिकिन्सन की पोम्स फर्स्ट लाइन से ही जानी जाती है यूजुअली क्योंकि इनके पोम्स का कोई टाइटल नहीं होता है अब ये जो पोम है इस पोम में एमिली क्या कर रही है एक समर डे को डिस्क्राइब कर रही है यानी कि एक गर्मी का दिन है और ये वॉक करने निकली है मे बी एक गार्डन में एक फील्ड में और जब ये वॉक करने निकलती हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती हैं बहुत सारी चीज़ें देखती हैं ऑब्जर्व करती हैं कि कैसे सन ब्राइटली शाइन कर रहा है ट्रीज़ जो है एक दूसरे से टकरा रहे हैं और बहुत अच्छी उनके टकराने की आवाज़ आ रही है हवा की आवाज़ आ रही है बर्ड्स चॉप कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें वो जो नोटिस करती हैं एक समर डे पे वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे आज हमें ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करेंगी सो so बेसिकली जो पूरी थीम है आपकी इस फोम की वो है ब्यूटी ऑफ नेचर नेचर की और आपके आस के इन्वायरमेंट की जो ब्यूटी है उसको कितनी ब्यूटिफुल एमिली डिकिन्सन इस फोम में डिस्क्राइब करती हैं वो हम पढ़ेंगे सो लेट्स बिगिन ट्रीज लाइक like seemed हिट एंड स्वंग tune. अब tassels का मतलब क्या होता है Tassels का मतलब होता है लूजली one end, एट वन decorations एंड in clothes. ये जो आप देख रहे हैं ये tassels होते हैं यूजली क्लोथ में या लड़कियों के कपड़ों में ये डोरी टाइप की जो बांधते हैं हम वो टैसल्स कहलाती है तो यहाँ पे टैसल्स का मतलब वो है तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है टैसल्स का मतलब द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट एंड स्वंग तो जितने यहाँ पे ट्रीज वो देख रही हैं समर डे में एमिली डिकिन्सन वो टैसल्स जैसे ऐसे लटक रहे हैं जैसे टैसल्स हैंग कर रहे हैं वैसे ये ट्रीज़ के जो ब्रांचेस हैं वो लटक रही हैं और दे आर हिटिंग ईच अदर यानी कि एक दूसरे से हवा के झोंकों में टकरा रही हैं और झूल रही हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही है और हवा फील हो रही है देर सीम्ड टू राइज अ ट्यून फ्रॉम मिनिएचर एचर क्रीचर्स मिनीचर क्रिएचर्स मीनीचर यानी जो बहुत छोटे साइज के होते हैं और क्रिएचर्स यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स तो वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स तो जो गार्डन में छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हनी बी हो गई बग्स हो गए छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए तो वो क्या करते हैं वो गार्डन में जब आप जाओ तो आपको इंसेक्ट्स की आवाज जैसे टाइप की इस टाइप की, की आवाज़ आती है तो वो बोल रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई ट्यून राइज हो रही है कोई ट्यून कोई धुन निकल रही है इन मिनिएचर क्रिएचर्स की आवाज़ों से तो जो स्मॉल इंसेक्ट्स की आवाजें हैं उनसे क्या निकल रही है कोई धुन जैसी कोई ट्यून जैसी सुनाई पड़ रही है हमारी पोएटिस को अ कंपनी इन द सन अ कंपनी करना जब आप किसी को साथ में कंपनी देते हो किसी को साथ में किसी के साथ में चले जाते हो बोलने के लिए अरे हम आपको कंपनी दे रहे हैं तो बोल रहे हैं वो कि जो क्रिएचर्स हैं, हैं, जो छोटे-छोटे है, ये किसको कर रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं सन के साथ यानी कि सन बहुत ब्राइटली यहां पर कर रहे है। सैलटरीज इसका मतलब क्या होता है तो देखते हैं एंशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाई विच होली वर प्लेड पुराने ज़माने में जो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था इसको साल्ट्री कहते थे और इसको प्ले करते थे तो इसमें से जो धुन निकलती थी जो म्यूजिक निकलता था वो सबको बहुत अच्छा लगता था सबके कानों को बहुत सुकून देता था पीस देता था ओके तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम सैल्ट्री कहते थे तो वो कह रहे हैं द सैल्ट्रीज ऑफ समर इनरिंग द ईयर तो अब इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सैल्ट्री को कंपेयर किया है हमारी पोएट्स ने ये जो जितने भी वो समर डे वाली फील्ड पे जब वो घूम रही है तो उनको जो भी साउंड आ रहे हैं हवा का साउंड आ रहा है छोटे छोटे मिनिएचर क्रिएचर्स यानी स्मॉल इंसेक्ट्स की जो आवाज़ आ रही है जो उनको आवाज़ आ रही है किसके बारे में जो बर्ड्स की आवाज़ आ रही है ये जितनी भी आवाज़ें हैं वो कह रही हैं ये समर की सैलटरीज यानी समर का म्यूज़िक है इनामरिंग द ईयर यानी इतना अच्छा ये सारी आवाज़ें मिल मिलके आ रही हैं कि मेरे कानों को बहुत इनामर कर रही हैं यानी कि मेरे कानों को ये आवाजें ये धुन बहुत अच्छी लग रही हैं। दे नेवर ये डिट सेटिस्फाई रिमोटेस्ट वेन मोस्ट फेयर तो वो कह रही हैं कि जितना भी आप ये आवाज़ें सुन लो ये हवा की आवाज़ें ये पेड़ों की एक दूसरे से टकरा के जो हवा आती है उनकी आवाज़ें और ये मिनी क्रिएचर्स क्रीचर्स की आवाज़ें बर्ड्स की आवाज़ें जो एक समर डे को परफेक्ट परफेक्टली डिस्क्राइब करती हैं वो कह रहे हैं जितनी भी आवाज़ें आप सुन लो ये कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगी यानी कि आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे इन आवाजों को सुनके। आप हमेशा क्रेव करते रहोगे आपकी इच्छा और होगी कि हम इन आवाजों को और सुने सुनते ही जाए और आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप चाहोगे कि आवाजें कभी बंद ही ना हो तो कहीं ना कहीं ये इतनी अच्छी अच्छी साउंड जो है एक फील्ड में एक गार्डन में वो कभी भी आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं पाती द सन शोन होल एट इंटरवल्स तो बता रही है कि क्योंकि एक समर डे है तो सन शोन होल एट इंटरवल्स सन पूरा पूरा होल यानी पूरा पूरा दिख रहा था इंटरवल्स में यानी कुछ कुछ देर में कभी बिल्कुल पूरा दिख जा रहा था कभी आधा छुप जा रहा था तो इंटरवल्स यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में सन पूरी तरीके से दिख रहा था और ब्राइटली शाइन कर रहा था देन हाफ देन अटर हिड फिर पहले पूरा दिख रहा था फिर कभी कभी बादलों के पीछे छुप जा रहा था तो हाफ दिखाई देता था देन अटर हिड कभी कभी बादलों के पीछे अटर यानी कंप्लीटली पूरी तरीके से हिड यानी हाइड हो जाता था छुप जाता था तो सन कभी आता है कभी जा रहा है कभी छुप जा रहा है कभी पूरी तरीके से दिख रहा है बादलों को बादलों के सामने तो इस तरीके से सन ब्राइटली वहां शाइन कर रहा था एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल तो सन इस तरीके से आ जा रहा था जैसे कि सन अपने आप में एक ऑप्शनल चीज है अब इंसानों के लिए पेड़ों के लिए एनिमल्स के लिए हम सब के लिए सन बहुत क्या है मस्ट यानी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बोले तो इम्पॉर्टेंट है बहुत सन के बिना हमारा काम नहीं चलता लेकिन सन तो इस तरीके से अपने आप को छुपा रहा था अपने आप को पूरा कंप्लीटली कभी दिखा रहा था जैसे कि सन हमारे लिए ऑप्शनल है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और क्लाउड्स जिनके पीछे सन छुप रहा था वो क्लाउड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लाउड्स दिखना जरूरी है सन तो ऑप्शनल है कभी दिखे भी कभी नहीं भी दिखे तो इस तरीके से सन अपने आप को छुपा रहा था और कभी कभी सामने आ रहा था इंटरवल्स में एंड हैड एस्टेट्स ऑफ क्लाउड एस्टेट्स का मतलब क्या होता है प्रॉपर्टी या वेल्थ किसी की प्रॉपर्टी किसी की वेल्थ किसी का धन दौलत पैसा तो वहां है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सन इस तरीके से अपने आप को बार बार छुपा रहा था जैसे कि उसके पास क्लाउड की बादलों की एस्टेट है प्रॉपर्टी है यानी कि सन ने इतनी सारी प्रॉपर्टी लेके रख ली है क्लाउड्स की इस वजह से उसको बार बार छुपना पड़ रहा है और बादल घने बादल आसमान में छाए हुए हैं समर डे में तो इस तरीके से सन बिहेव कर रहा था सफिशियंट टू एनफोल्ड हिम एनफोल्ड क्या होता है कवर करना है किसी को रैप करना है जब आप किसी को पूरी तरीके से कवर कर लेते हो ढाक लेते हो या फिर रैप कर लेते हो दैट मीन्स आप एनफोल्ड कर रहे हो और ये हिम कौन है किसकी बात हो रही है यहाँ पे ये बात हो रही है सन की बात हो रही है तो सफिशियंट टू एनफोल्ड हिम का मतलब है कि ये बादल बादल जो ये क्लाउड्स हैं आसमान में ऐसे छाए हुए थे कि सफिशियंट थे यानी कि बहुत इनफ थे एक सन को ढाकने के लिए यानी इतने सारे बादल थे कि वे की ये सारे बादल सफिशियंट थे सन को कवर करने के लिए इसलिए सन बार बार छुप जा रहा था इन बादलों के पीछे एटर्नली फ्रॉम व्यू एटर्नली का मतलब क्या होता है फॉर हमेशा के लिए तो इन लाइंस का मतलब है कि बादल इतने ज्यादा थे आसमान में कि वो सन को पूरी कंप्लीटली कवरअप कर दें इटर्न ने लिया ने हमेशा के लिए हम दुनिया वालों की नजरों से इतने बादल थे कि पूरा सन को ढाक सकते हैं हमेशा के लिए फॉर के लिए एक्सेप्ट इट अ अम ऑफ इज टू लेट ऑकिड्स ग्रो अब विम का मतलब क्या होता है सनक या कोई जिद अगर आपकी कोई जिद होती है और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग अगर आपके अंदर कोई स्ट्रोंग डिजायर एयर है कोई इच्छा है कोई जिद है कि नहीं मुझे तो ये करना ही है उसे हम कहते हैं विम और ऑर्चिड्स क्या होते हैं ऑर्चिड्स होते हैं ये फलों के बागान एक ऐसा गार्डन एक ऐसी बड़ी बड़ी फील्ड्स जहाँ पर पेड़ तो उगते हैं और उन पेड़ों में बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स उगते हैं फल उगते हैं ओके तो यहाँ इन दो लाइंस में बताया जा रहा है कि सन को ढाकने के लिए बादल इनफ थे यानी इतने सारे थे कि ज़िंदगी भर के लिए फॉर एवर के लिए दुनिया वालों की नज़रों से छुपाने के लिए इनफ थे इतने सारे बादल थे आसमान में लेकिन सन तो सिर्फ सामने बार बार इसीलिए आ रहा था अगर उसकी ज़िद ना होती कि मुझे ऑर्चिड्स को ग्रो कराना है यानी कि हम सबको पता है कि पेड़ों को बड़ा होने के लिए पेड़ों में फल और फ्रूट्स यानी कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब उगने के लिए ग्रो होने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है सनलाइट की जरूरत होती है अगर सनलाइट नहीं होगी तो पेड़ नहीं ग्रो कर पाएंगे ओके okay? तो इसीलिए इन दो लाइन्स का मतलब है कि ये तो सन की जिद थी ये तो सन की एक इच्छा है कि भाई मुझे तो ऑर्चिड्स को ग्रो कराना है भाई मेरी लाइट के बिना ऑर्चिड्स तो ग्रो हो ही नहीं पाएंगे इस वजह से थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स में बाहर आ जा रहा था नहीं तो वो तो कंप्लीटली बादलों के पीछे छुपा ही हुआ था वहाँ पे शाइन कर रहा था वहां पर ट्रीज एक दूसरे से स्वंग कर रहे थे झूल रहे थे और टकरा रहे थे हिट कर रहे थे एक दूसरे को वहां पर छोटे छोटे मिनियचर क्रिएचर्स का साउंड था और क्या साउंड आ रहा था उस समर डे में अब बर्ड एट केयरलेस ऑन द फेंस अब फेंस क्या होती है इस तरीके की गार्डन की जो बाहर फेंसेज होती हैं वहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई थी और बैठी बैठी हुई थी तो क्या कर रही थी वो ब्यूटी बढ़ा रही थी उस गार्डन की उस फील्ड की और वहाँ पे अपनी आवाज निकाल रही थी यानी कि बर्ड्स वर चौपिंग वन गॉसिप इन द लेन गॉसिप करने का मतलब यहाँ पे क्या है चॉपिंग ऑफ द बर्ड यानी कि एक बर्ड इस तरीके से फेंस पे बैठी हुई थी और एक बर्ड लेन में गॉसिप कर रही थी लेन का मतलब क्या होता है एक narrow road, एक नैरो रोड पतली सी सड़क तो गार्डन फील्ड में एक पतली सी सड़क थी वहां पे बर्ड्स उड़ रही थी एक बर्ड वहां पे उड़ रही थी और गॉसिप कर रही थी यानी कि चूजू चूजू ऐसे अपनी आवाज करती हुई उड़ रही थी तो गॉसिप का मतलब यहाँ पे साउंड ऑफ द बर्ड है ऑन सिल्वर मैटर्स Charmed a snake. Charmed का मतलब क्या होता है अट्रैक्ट तो सिल्वर मतलब यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि जब ब्राइटली सन शाइन करता है तो सन की जो लाइट होती है उससे हर चीज चमकने लगती है मेटल की तरह ग्लो करने लगती है तो यही चीज इस लाइन में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सन की लाइट की वजह से हर चीज वहां पे सिल्वर गोल्डन शाइन करने लगी थी जिसको देखकर कोई शाइनी चीज किसी शाइनी लीफ को देख के माइट भी एक स्नेक वहां पे चाम हो गया यानी अट्रैक्ट हो गया उस चमकीली चीज को देख के माइट भी वो शाइन हो रही थी किसकी वजह से सन की वजह से जस्ट विंडिंग राउंड अ स्टोन और विंडिंग राउंड अ स्टोन का मतलब वहीं पे ही स्टोन होगा शायद एक जो शाइन हो रहा होगा जिसको देख के वो स्नेक क्या हो गया अट्रैक्ट हो गया एन इट बिकेम चार्म ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलिक्स कैलिक्स का मतलब क्या होता है अगर आप इस फ्लावर को देखेंगे तो उसमें जो ये ग्रीन पोर्शन नीचे का दिख रहा है आपको ये जो है ये तो अलग ही दिख रही है कि हमारी स्टेम है ओके ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये वाला ये होता है कैलिक्स जब एक फ्लावर अंदर बंद रहता है और कली ऊपर से होती है तो जो ये ग्रीन चीज उसको ढक के प्रोटेक्ट करके रहती है फ्लावर को वो ग्रीन चीज को हम कैलिक्स कहते हैं स्मॉल ग्रीन लीव्स दैट प्रोटेक्ट अ फ्लावर बिफोर इट ओपन तो फूल के फ्लावर के ब्लूम होने से पहले खिलने से पहले जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स कली जो उसको प्रोटेक्ट करके रखी रहती है उसको हम कहते हैं कैलिक्स तो यहाँ पे बोल रहे हैं अब पोएटिस फ्लावर्स की ब्यूटी यहाँ पे बता रही है और बोल रही है कि जो ब्राइट फ्लावर्स थे जो डार्क कलर के रोजेज और ब्राइट फ्लावर्स थे वो स्लिट करके स्लिट यानी कि किसी चीज को कट करके बाहर निकल के आए तो किसको कट करा कि बड़े बड़े फ्लावर्स ने इन कैलिक्स को क्लट स्लिट किया कट किया और फिर खिल के बाहर निकल आए एंड सोड अपॉन अ स्टेम और ये जो स्टेम थी उसके ऊपर ब्यूटीफुली फैल के वो फ्लावर खड़ा हो गया और बैठा हुआ था तो ये ब्यूटी यानी कि हो सकता है कि पोएट ने वहाँ पे एक फ्लावर को ब्लूम होते हुए खिलते हुए ब्यूटीफुली देखा कि कैसे वो फ्लावर ब्लूम हो रहा है तो वो ब्यूटी उन्होंने एक्सप्रेस करी इन लाइन्स में like hindered flags sweet hoisted with spices in the hem ab hindered flags kaun se hote hain flags that are not yet hoisted here flowers that are not yet bloomed completely to yahan pe humko hindered flags se compare kara gaya hai un flowers ko jo ab tak khile nahi hain ab hindered flags kya hote hain आपने कभी भी देखा होगा जिस दिन flag hoisting ceremony होती है यानी झंडा फहराने की ceremony होती है तो झंडा फहराने से पहले फ्लैग कैसा होता है वो पोल पर फ्लैग इस तरीके से बंद के अभी बंद रहता है जब तक अभी उसको किस किसी को बुलाया नहीं जाए कि आप इसको फहराओ उसको हॉइस्ट कराओ तब तक वो फ्लैग बिल्कुल बंद रहता है तो यहाँ पे उन बंद फूलों को यानी जो अभी तक खिले नहीं हैं उनसे कंपेयर किया गया है हिंडर्ड फ्लैग्स को कि ये फ्लैग अभी भी हॉइस्ट नहीं हुआ यानी कि ये फ्लैग अभी फहराया नहीं गया अभी बंद है उस तरीके से लग रहे थे वहाँ पर कुछ फ्लावर्स जो अब तक कैलिक्स को खोल के निकले नहीं अभी भी अंदर कली में बंद ही हैं और फिर जब सन की सनलाइट आई जब सूरज की रोशनी पड़ी उन फ्लावर्स पे देवर स्वीट हॉइस्टेड यानी कि बहुत प्यार से वो हॉइस्ट हुए यानी बहुत प्यार से वो फूल ब्लूम हुए खिल गए और ब्यूटिफुली स्टेम पर खड़े हुआ खड़ा हुआ था वो फ्लावर विथ स्पाइसेस इन द दैम जैसे स्पाइस यानी मसालों की खुशबू हर जगह फैल जाती है क्योंकि मसालों की जैसे हल्दी हो गई मिर्ची हो गई मसाले होते हैं जो स्पाइसेस इनकी स्मेल काफ़ी स्ट्रांग होती है और हर जगह फैल जाती है एग्जैक्टली exactly उसी तरह जैसे एक फ्लावर ब्लूम हुआ तो उसकी फ्लावर भी फ्लावर की जो फ्रेगनेंस थी जो खुशबू थी इतनी स्ट्रोंग और इतनी अच्छी थी कि वो हर जगह मसालों की खुशबू की तरह उसकी फ्लावर की खुशबू भी फैल गई यानी कि स्प्रेड हो गई ओके ट मोर आई के नॉट मैं अब यह टाइम मतलब है इट वॉज ओके तो यह पोएटर्स ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है यह ट्वास का मतलब है इट वॉज इट वॉज मोर आई के नॉट मैंशन हाउ मीन टू डोज दैट सी वैन डीग्स डेली नेचर समर डे तो यहां पर इन टू लाइन्स का मतलब है कि अब पोइट कह रही कि इट वॉज मोर आई नॉट मैंशन इतना ज़्यादा सुंदर था वो समर डे और इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं यहाँ पर अपनी इस पोम में मेंशन ही में नहीं कर पा रही हूँ वो बर्ड्स वो सन वो स्नेक वो फ्लावर्स वो सारा जो टैसल्स की तरह हैंग कर रहे थे ट्रीज़ वो इतनी सारी चीज़ें कि मैं मेंशन ही में नहीं कर सकती यहाँ पे इतनी वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी अब वैंडिक कौन है वैंडिक ये पर्सन है ही वॉज़ अ ग्रेट पेंटर ओके अ ग्रेट पेंटर होज पेंटिंग्स वर कंसिडर्ड रियलिस्टिक तो वैंडिक एक एंशंट टाइम का पुराना काफ़ी फेमस पेंटर थे और इनकी पेंटिंग्स को रियलिस्टिक माना जाता था इन, इनकी पेंटिंग्स को ये बोलते थे कि जो भी ये पेंट करके बनाते हैं वो बिल्कुल रियल असली चीज़ दिखती थी तो ये जो वैंडिक थे वो जो भी डेलीमिएट करते थे यानी जो भी अपनी पेंटिंग्स में डिस्क्रिप्शन करते थे जो भी अपनी पेंटिंग्स में डिस्क्राइब करते थे नेचर के बारे में तो यहाँ पर पोट्रेस कहती हैं कि बहुत मीन है उन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है उन लोगों के साथ जो वैंडिक की नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स देख के खुश हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि वैंडिक की पेंटिंग्स तो कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक हैं पूरे रियल नेचर को दर्शा रही हैं और उन्हीं सारी चीज़ों को देख खुश हो जाते हैं पेंटिंग में लेकिन असलियत में इन लोगों को नहीं पता कि रियलिटी में जो ब्यूटी है नेचर की वो कोई डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता नेचर की ब्यूटी इतनी सुंदर है इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है हमारी नेचर कि हम हमारा मन करता है कि हम सिर्फ देखते ही जाएँ इसके ब्यूटीफुल साउंड्स को सुनते ही जाएँ और फील करते जाएँ उस नेचर की एयर को और आ, फ्रेगनेंस से भरी खुशबू से भरी एयर को तो यहाँ पे पोइटर्स कहती हैं कि वैंडिक के जो डेलिनेशन है जो उसकी पेंटिंग्स हैं जिसमें वो नेचर को डिस्क्राइब करता है और पेंट करता है और लोग समझते हैं कि ये पेंटिंग कितनी सुंदर है नेचर के बारे में रियलिस्टिक मानने लगते कि हाँ यही रियल नेचर है उन लोगों के बारे में बहुत मीन फील करती हैं वो बहुत बुरा फील करती हैं ऑफ़ नेचर समर डे तो कहती हैं कि एक समर डे को कोई पेंटिंग में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता क्योंकि नेचर की ब्यूटी पेंटिंग से तो बहुत बहुत ऊपर है हम लोग अपनी आँखों से सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं अपनी पेंटिंग्स में या अपनी राइटिंग्स में इसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता तो इस तरीके से ये ब्यूटिफुल समर डे को डिस्क्राइब करती है हमारी एमिली पोए ये जो पोम है ये लिखी है एमिली डिकन्सन ने एमिली डिकसन एक काफी फेमस पोएटिस थी नाइनटीन सेंचुरी की उन्होंने इस पोम में डिस्क्राइब किया है कि वो एक दिन शायद से एक समर डे धूप के समर डे को उन्होंने डिस्क्राइब किया धूप का एक ब्यूटीफुल डे है जिसकी गार्डन में या फील्ड में वो शायद वॉक करने के लिए या फिर एक राउंड लगाने के लिए शायद निकली है और उस वक्त जो जो उन्होंने ब्यूटीफुल चीज़ें एक समर डे के दिन देखी हैं ऑब्जर्व करी हैं वो सब उन्होंने ब्यूटिफुल एक्सप्रेस करी हमारी पोम में सो लेट्स बिगिन द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट एंड सन स्वंग बाय एमिली जिकिनसन इज़ अ होपफुल एंड इमेज रिच पोम दट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीज ऑफ नेचर इन समर तो ये जो पोम है जो एमिली जिकिन्सन ने लिखी है ये काफ़ी होपफुल एंड इमेज रिच पोम है वॉट यू मीन बाय इमेज रिच पोम दैट मीन्स जो भी उन्होंने देखी है उसकी इमेज उन्होंने अपने माइंड में क्रिएट करी और इस ब्यूटीफुल पोम को लिखा उन्होंने और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ें क्या क्या होती हैं और एक समर डे पे नेचर कितना ब्यूटीफुल दिख सकता है वो उन्होंने अपनी इस पोम में डिस्क्राइब किया है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि टैसल्स टैसल्स यानी कि जो क्लोथ्स में हैंगिंग्स हम लगाते हैं समथिंग थ्रेड जैसे इस तरीके से दिखती है इस तरीके से जो हम जिसको हम हिंदी में लटकन भी कहते हैं वो सारी चीज़ें जो कपड़ों में लगती हैं उस तरीके से उनको ट्रीज़ दिख रहे थे उस दिन फील्ड पर ट्रीज़ जैसे हैंग हो रहे हैं यानि लटक रहे हैं और एक दूसरे से हिट कर रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत अच्छी हवा उनको फील हो रही है द पोम यूजेस पर्सोनिफिकेशन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द ब्लूमिंग थ्राइविंग एंड ग्रोइंग लाइफ दैट वन के नॉट सी ऑन अ समर डे तो पोम ने क्या डिस्क्राइब किया है परसोनिफिकेशन यानि जब आप एक नॉन लिविंग थिंग में कोई ह्यूमन क्वालिटी को अटैच कर देते हो उस लिटरेरी डिवाइस को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं और इसमें बताया गया है कि कैसे जो फ्लैग्स होते हैं जो हिंडर्ड फ्लैग्स Flags? एक एक फ्लैग झंडे को हम देखते हैं जिसको फहरा दिया जाता है वो खुल जाता है। एक तो उसे, हम कहते हैं, अभी तक उसे लहराया या फहराया नहीं गया है। तो हिंडर्ड फ्लैग से उन्होंने कंपेयर किया है उन फूलों की कलियों को जो अभी तक खुली नहीं है यानी कि ब्लूम नहीं हुई तो नेचर की इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस uh, को उन्होंने एक चीज़ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है पोटर्स ने कि कैसे एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लूम होता है खिलता है जैसे एक फ्लावर जैसे एक फ्लैग हिंडर यानी कि अभी बंद है और उसको लहरा दिया जाता है तो वो कितना ब्यूटीफुल दिखता है उसी तरीके से एक फूल जो अभी खिला नहीं है जो अपनी कलियों में कैलिक्स में अभी भी बंद है और जब वो खिलता है जो पूरा ब्लूम होता है तो कितना ब्यूटीफुल दिखता है कैसे उन्होंने एक लाइफ को ग्रो होते हुए देखा और एक्सपीरियंस किया उस समर डे पे वो यहाँ पर ब्यूटीफुली बहुत एक्सपीरियंस किया है उन्होंने शी स्पीक्स ऑफ द सन इट्स एबिलिटी टू शाइन वेन इट चूज टू उन्होंने ऑल्सो किसके बारे में यहाँ पे मैंशन किया है सन के बारे में जो कितना ब्राइटली शाइन करता है ब्यूटिफुली शाइन करता है और हर जगह को अपनी शाइन से ऐसे भर देता है जो दिखाई देती है कि सब चीज़ें शाइन कर रही है कि एक चीज़ जैसे कि ग्लो कर रही है और सन कभी पूरा क्लियरली दिख रहा था कभी बादलों के पीछे छुप जा रहा था कभी कंप्लीटली छुप जा रहा था ऐसा लग रहा था सन तब अपने आप को दुनिया वालों के सामने दिखाना चाहता है व्हेन ही टू जब उसकी इच्छा हो तो ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे नोटिस करी बर्ड्स उन्होंने कई सारी बर्ड्स देखी जो कि इधर उधर चिरप कर रही थी और रिंग्स कर रही थी कुछ ऐसे ही फेंस पे बैठी हुई थी जो कि ब्यूटी बढ़ा रही थी उस गार्डन की बग्स बग्स यानी उन्होंने छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाजों को वहाँ पर सुना और एक्सपीरियंस किया और उनको ऐसा लग रहा था कि इन सारे मिनीचर क्रिएचर्स यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स की जो आवाज़ें हैं जो उस पूरे गार्डन या फील्ड में से आ रही थी वो उसमें ऐसा ऐसा लग रहा था उनकी आवाज़ों में से कोई ट्यून कोई धुन सी जैसी निकल रही है उन्होंने एक स्नेक को देखा जो कि सन की वजह से शाइन होने वाले एक स्टोन को देख के अट्रैक्ट हो गया और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला गया उन्होंने बहुत सारी एक्साइटिंग फ्लावर्स देखे जो कि ब्लूम हो रहे थे एंड एक्साइटेडली ब्लूमिंग फ्लावर्स जो कि ब्लूम हो रहे थे और उनकी जो खुशबू है वो हर जगह फैल गई थी तो उन्होंने एक ब्यूटिफुल नेचर नेचर को जो उन्होंने एक समर डे पे एक्सपीरियंस किया था उन्होंने ब्यूटिफुली अपनी इस में डिस्क्राइब किया है और वनडीक करके एक फेमस पोएट हैं जो नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते हैं और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उनकी पेंटिंग्स काफ़ी रियलिस्टिक हैं यानी काफ़ी रियल दिखती है नेचर को देख के तो पोइटर्स यहाँ पे उन सारे लोगों के बारे में काफ़ी बुरा फील कर रही हैं जो वनडीक नाम के पेंटर को पेंटर की पेंटिंग्स देख के ऐसा फील करते हैं कि बापरे इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग इतनी अच्छी पेंटिंग नेचर को कितना अच्छे से उसने अपनी पेंटिंग में डिस्क्राइब किया या डेलिनेट किया है लेकिन पोर्ट्रेट्स को उन सब लोगों के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो ये कहती हैं कि पेंटिंग्स जो हैं चाहे कितना ही बड़ा पेंटर हो नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब या फिर अच्छे से दर्शा नहीं सकता है जो आप रियल लाइफ से देखते हो या सुनते हो या एक्सपीरियंस करते हो जो आप रियलिटी में नेचर को एक्सपीरियंस करते हो वो कोई पेंटिंग या आपकी लिखी हुई कोई चीज़ें एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती क्योंकि नेचर की ब्यूटी जो है वो बिल्कुल एट एक्सट्रीम कंडीशन पर है यानी कि आप जितना देखते रहो आपकी आप और क्रेव होते रहोगे कि हम इन ब्यूटीफुल चीजों को और देखते रहें तो कोई भी पेंटिंग इस को या नेचर को अपनी पेंटिंग्स में कैद नहीं कर सकती या फिर डिस्क्राइब नहीं कर सकती कंप्लीटली सो दिस वॉज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पोम न बिगिन विथ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स सो क्वेश्चन नंबर वन What imagery does the poet use to delineate, यानी कि describe Somers day more मोर Now what do you mean by पिक्चरिसकली Very attractively than any painter could do. तो so, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक इमेजरी इमेजरी क्या होता है एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस होता है जो यूज जो एक्चुअली इस पोम में यूज किया गया है तो इमेजरी क्या कौन सी इमेजरी इमेजरी एक वो लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें आप जो भी चीज़ें देखते हो उसको फिर इमेजिन करते हो अपने माइंड में उसकी एक पिक्चर बनाते हो और फिर उसके बारे में आप लिखते हो तो किस तरीके की इमेजरी हमारे पोएटर्स ने यहाँ पर यूज करी है डेलिनेट करने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए वो समर डे जो उसने उस दिन देखा मोर पिक्चरेसिकली यानी कि और ज्यादा अट्रैक्टिवली हमारी पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया और समर डे को जो कोई पेंटर शायद नहीं कर सकता है तो इसका आंसर है द पोएट यूजेज इमेजरी ऑफ सैलरी टू डेलीमिनेट द समर डे मोर पिक्चरेसिकलीन अ पेंटर कुड डू तो क्या इमेजरी यूज़ करी हमारी पोएट ने इस पोम में उन्होंने इमेजिन करा सैल्ट्री को यहाँ पे पी साइलेंट है इसलिए हम सैल्ट्री बोल रहे हैं सैल्ट्री एक तरीके का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पुराने ज़माने में लोग प्ले करते थे भजन वगैरह गाने के टाइम पे तो जब उसकी आवाज़ निकलती थी उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तो वो सबके कानों को इनामर करती थी यानी कि बहुत सुकून पहुंचाती थी तो ये चीज़ को कंपेयर किया है और इमेजिन करके पोएट ने ये कंपैरिजन बताया कि जब वो समर डे के दिन उस गार्डन में थी और वहाँ पर उन्होंने सुनी उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़ें तो वो धुन जैसी उनको सुनाई पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि सैल्ट्री के म्यूजिक जैसा वो धुन बज रही है जो उनके कानों को पीस पहुँचा रही थी और अच्छी लग रही थी तो ये चीज़ उन्होंने काफ़ी पिक्चरिसिकली यानी काफ़ी अट्रैक्टिवली उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब करी है हमारी पोम में द इंसेक्ट्स हमिंग वो इंसेक्ट्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो गार्डन में होते वो हम कर रहे थे जैसे hmm, वाला जो साउंड होता है वो उनको साउंड आ रहा था द चॉपिंग ऑफ द बर्ड्स और कौन से साउंड आ रहे थे उनको बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ एंड द विंड प्लेइंग थ्रू द लीव्स ऑल गिव अ म्यूजिकल ब्यूटी टू दिस परफेक्ट समर डे और पत्तियों के बीच में जो विंड जो हवा आ रही थी और जो उसकी जो जो जितनी भी ब्रांचेस थी वो जो हिल रही थी हवा की वजह से और उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था ये सारी चीज़ें म्यूजिकल ब्यूटी देती हैं एक समर डे को जिस तरीके से हमारी पोएट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है द of डिस्प्ले ऑफ फ्लावर्स एंड क्लाउड्स the विद of ऑफ फ्लावर to टू perfect डेज charm। तो वो कह रहे हैं कि इतनी परफेक्टली हमारी पोएट ने डिस्क्राइब किया कि कैसे एक फ्लावर ब्लूम होता है कली होता है और फिर खिलता है और कैसे क्लाउड्स आसमान में छाए रहते हैं और सन को अपने पीछे छुपा लेते हैं और कैसे फ्लावर की सेंट्स यानी एक फ्लावर की खुशबू ल जाती है पूरे गार्डन में वो सारी चीज़ें जो उन्होंने एक्सपीरियंस करी है वो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने अपनी इस पोम में डिस्क्राइब किया है और एक परफेक्ट समर डे चार यानि अट्रैक्शन कि कैसे एक समर डे से लोग अट्रैक्ट होते हैं और ये पूरी अट्रैक्शन उन्होंने क्या करिए अपनी पोम में डिस्क्राइब करिए बहुत अट्रैक्टिवली उन्होंने डिस्क्राइब करिए जो शायद एक पेंटर कभी नहीं कर पाता ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट आर आंसर नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू वट यू अंडरस्टैंड बाई सैल्ट्रीज ऑफ समर सैल्ट्रीज ऑफ समर ये कुछ फ्रेजेज यूज करे गए हैं हमारी पोम में तो पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है वॉट डज दिस मीन तो आंसर है द पोइट यूजेज द मेटेफर ऑफ सैल्ट्रीज ऑफ समर टू डिस्क्राइब द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी म्यूजिकल चार्म्स ऑफ परफेक्ट समर डे मैंने अभी आपको बताया था कि सैल्ट्री क्या होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो म्यूजिक निकलता है वो आपके गानों को बहुत पीस पहुँचाता है हमें काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में तो पोएट ने ये जो सैलटरीज ऑफ़ समर है समर की सैलटरीज़ को मतलब ये सैल्टी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर किया है सैलटरीज ऑफ समर से यानी जो भी साउंड वो सुन रही थी उस टाइम गार्डन में खड़े होके बर्ड्स की हवा की या फिर मान लीजिए उन्होंने इन छोटे छोटे मिनिएचर क्रिएचर्स यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स की जिसका भी वो साउंड सुन रही थी उनको कंपेयर किया है एज सैलटरीज ऑफ समर की ये धुन है ये म्यूजिक है समर का और बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे उन्होंने बताया तो यहां पर एक एक हुआ है, एक तरीके का लिटरेरी वॉट इज जिसमें दो नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से क्यों क्योंकि दोनों की क्वालिटीज कई हद तक सेम होती है फॉर एग्जाम्पल हर वर्ड्स वर लाइक नाइफ हर वर्ड्स वर लाइक नाइफ ओके okay. उसके शब्द नाइफ की तरह थे यानी चाकू की तरह थे यानी कि वर्ड्स को कंपेयर किया है नाइफ से दोनों ही दो नॉन लिविंग चीजें हैं लेकिन यहाँ पे कंपेयर इसलिए किया गया क्योंकि उसके शब्द शायद इतने तीखे इतने तेज थे कि उसको कंपेयर करना पड़ा उन शब्दों को नाइफ से कि जैसे उसके शब्द इतने ज्यादा गंभीर इतने ज्यादा सीरियस और शार्प वर्ड्स थे कि वो शायद किसी का कत्ल ही कर दे जैसे एक नाइफ कर सकता है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन मेटाफर ओके आगे पढ़ते हैं आंसर में

उनकी जो आवाज़ है और जो विंड जो हवा लहर के निकल रही है पेड़ों के बीच में से तो वो जो सारा नेचुरल म्यूजिक वो सुन रही हैं उसको उन्होंने कंपेयर किया है सैलरीज ऑफ समर से सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री इन विच लाइंस आर क्रिएचर्स एट्रीब्यूटेड विथ ह्यूमन क्वालिटीज़ कौन सी ऐसी लाइन्स हैं पोम में जिसमें क्रिएचर्स को यानी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको अटैच किया गया है ह्यूमन क्वालिटीज़ से यानी इंसानों की कुछ क्वालिटीज़ से हाउ डज दिस ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द समर डे और कैसे इन क्रीचर्स को अगर कंपेयर किया गया किसी ह्यूमन क्वालिटी से तो ये ब्यूटी ऑफ समर डे को कैसे ऐड करी है यानी कि समर डे की ब्यूटीफुल ब्यूटी को और कैसे बढ़ा रही हैं और उसमें क्या एडिशन कर रही हैं तो आंसर है इन द फॉलोइंग लाइन्स द क्रीचर्स आर एट्रीब्यूटेड विद ह्यूमन क्वालिटीज़ तो ये कुछ लाइन्स हैं ये जो दो लाइंस हैं उसी में ही क्रीचर्स को कंपेयर किया है ह्यूमन क्वालिटी से और लाइन्स के हैं डे सीम्ड टू राइज अ ट्यून फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स ये जो लाइन्स है यहीं पर बताया गया है कि कैसे एक क्रिएचर को एट्रीब्यूट किया गया है यानी जोड़ा गया है किसी ह्यूमन क्वालिटी से क्या मतलब है इन टू लाइन्स का हेयर इन द लाइन्स द पोएट रेफर्स टू क्रीचर्स लाइक बीज एंड फ्लाइज एज मिनिएचर क्रिएचर्स तो यहाँ पर मिनिएचर क्रिएचर किन को बोला गया है मिनिएचर यानी बहुत छोटे छोटे क्रीचर्स जो बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज हो गई फ्लाइज हो गई जो यूजुअली गार्डन्स में या फील्ड्स में दिखाई देती हैं उनसे कंपेयर किया गया है हु विद देयर हमिंग एंड बीटिंग ऑफ देयर विंग्स फिल द एयर विद अ सैटिस्फाइंग टोन ऑफ म्यूजिक और ये जो बीज हैं जो फ्लाइज हैं ये अपनी हमिंग यानी अपने मुंह से निकाली हुई आवाज़ से और बीज के पंख फड़फड़ाने की जो आवाज़ है उससे पूरा म्यूज़िक जैसे क्रिएट कर देती है उस ब्यूटीफुल गार्डन में या फिर उस फील्ड में और एक सैटिस्फाइंग टोन ऑफ म्यूजिक निकलता है यानी कि कानों को अच्छा लगने वाला म्यूजिक या धुन जैसा सुनाई पड़ता है हमारी पोएट को ओके क्वेश्चन नंबर फोर हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इमेज ऑफ द हिंडर्ड फ्लैग्स पोम में एक फ्रेज यूज करा, करा गया है हिंडर्ड फ्लैग्स तो हिंडर्ड फ्लैग्स की इमेज आप कैसे एक्सप्लेन करोगे क्या होता है हिंडर्ड फ्लैग्स so answer is the poet uses the image of the hindered flags to depict the elegance with which the flowers stand on their stems with petals full of fragrance it is as if embattled troops have hoisted their flags up तो यहाँ पर hindered flags उन flags को बोला गया है जो अभी तक झंडे फेराए नहीं गए जो अभी भी बंद हैं फेराने से पहले तो जैसे एक कली अभी बंद है अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है जैसे एक फ्लैग अभी फहराया नहीं गया झंडा को अभी फहराया नहीं गया अभी है अभी बंद है एग्जैक्टली उसे कंपेयर करा गया है एक फ्लावर से जो अभी अपनी कलियों में बंद है अभी ब्लूम नहीं हुआ है खुला नहीं हुआ है लेकिन पोएट ने ये ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स बंद होने से खुलने तक ये पूरी प्रोसेस को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक फ्लावर ब्यूटीफुली खुल जाता है और अपनी स्टेम यानी ये मान लीजिए अगर एक फ्लावर है ये एक फ्लावर है मान लीजिए तो कैसे वो अपनी स्टेम पर ये उसकी स्टेम है कैसे अपनी स्टेम पर ब्यूटिफुली खुल के खुड़ा खुल के खड़ा है ये फ्लावर और अपनी फ्रेगनेंस अपनी खुशबू हर जगह पूरे गार्डन में फैला रहा है ऐसा लग रहा है कि एम बैटल ट्रूप्स यानी कि वो आर्मीज जो अभी भी लड़ाई के लिए नहीं गई हैं उन्होंने अपना फ्लैग अभी हॉइस्ट कर दिया है क्या होता है जब आर्मी में लोग लड़ाई करने जाते थे पुराने जमाने में लोग जंग लड़ने जाते थे तो जब दोनों ट्रूप सामने सामने खड़े रहते थे तो वो अपने फ्लैग्स हॉइस्ट कर देते थे यानी कि लहराते थे और फिर उनकी आर्मी स्टार्ट होती थी उनकी वॉर स्टार्ट होती थी तो ऐसा लग रहा है इन फ्लावर्स को देखिए कि जैसे जो ट्रूप्स हैं जो आर्मीज हैं उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया एंड नाउ दे आर रेडी फॉर द वॉट फॉर देयर वॉर सो इतना ब्यूटिफुली उन्होंने एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया है अपनी इस पोम को नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द प्रोनाउंस रेफरिंग टू द सन कैपिटलाइज्ड जित प्रोनाउंस के होते हैं वो शब्द होते हैं जो नाउन्स की जगह यूज होते हैं ओके okay? तो इस पोम में कई सारे प्रोनाउंस यूज करे गए हैं सन को डिस्क्राइब करने के लिए तो जितने भी प्रोनाउंस यूज करे गए हैं उनको कैपिटलाइज क्यों कर दिया है यानी कि कैपिटल लेटर में क्यों लिखा गया है सो द आंसर इज द प्रोनाउम्स रेफरिंग टू द सन आर कैपिटलाइज बिकॉज द पोएट परसोनिफाइज इट एज किंग तो जितने भी प्रोनाउंस हैं जो पोम में यूज़ करे गए उनको कैपिटलाइज यानी कैपिटल लेटर में इसलिए यूज़ किया है सन के लिए क्योंकि हमारी जो पोएट्स हैं वो इसको परसोनिफाई करती हैं सन को परसोनीफाई करती हैं किंग कि की तरह जैसे किंग जैसे एक राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है एग्जैक्टली exactly उसी तरह जो सन था वो किंग की तरह एक राजा की तरह बिहेव कर रहा था और अपनी मर्जी से कभी बादलों के पीछे जा रहा था कभी सामने आ रहा था उसकी ज़िद थी अगर कि मुझे तो अपनी सनलाइट देनी है ट्रीज़ को क्योंकि मेरी वजह से ही ट्रीज ग्रो होंगे तो वो सनलाइट देनी अगर उसको तो ही बाहर आ रहा था नहीं तो अंदर चला जा रहा था तो जैसे एक किंग अपनी मर्जी का मालिक होता है सन को भी यहाँ पे किंग की तरह कर कंसिडर किया गया है कि वो अपनी मर्जी से बाहर आ रहा था और अंदर जा रहा था बादलों के पीछे द क्वालिटी ऑफ बींग लार्ज एंड इम्प्रेसिव ऑफ द सन इज एन तो सन की ये क्वालिटी की वो सबसे लार्ज है और इम्प्रेसिव है यानी सबको इम्प्रेस करता है अपनी क्वालिटी से वो यहाँ पर दर्शाई गई है द सन समटाइम्स शाइन होल वाइल इट समटाइम्स इज इट हाफ और अटर हिड तो पोम में पोम के अकॉर्डिंग सन कभी कभी होल यानी पूरा दिखाई दे एंड सम हाफ कभी कभी आधा दिखाई दे रहा था क्योंकि आधा शायद बादलों के पीछे वो छुप जा रहा था और अटर हिड अटर मीन्स कम्प्लीटली या कभी कभी तो वो कम्पलीटली पूरी तरीके से ही बादलों के पीछे छुप जा रहा था और ऐसे छुप रहा था एंड एज एस्टेट्स ऑफ क्लाउड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द मॉटल गेज तो एस्टेट्स का मतलब क्या होता है प्रॉपर्टी किसी की या किसी की वेल्थ तो सन ऐसे छुप रहा था बादलों के पीछे जैसे कि बादलों की प्रॉपर्टी है उसके पास इस तरीके से बार बार वो छुप जा रहा था अपनी मर्जी से क्योंकि सन को यहाँ पर किंग बोला गया है उसके पास सब कुछ वो उसके हाथ में सब कुछ हो सकता है किसी भी चीज़ का एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द mortal गेज mortal मीन्स जो चीज़ हमेशा चलती है और गेज यानी कंटिन्यूसली देखना तो क्योंकि हम इंसान सन को इतना ब्यूटीफुल और इतना रिलीजियस कंसिडर करते हैं कि हम उसको मॉटल गेज हम उसको हमेशा ही देख सकते हैं वो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है लेकिन वो अपने आप को छुपा देता है बादलों के पीछे मोटल गेज से कि सबको सब लोग सबकी लो, सब दुनिया की नज़रों से फॉर बादल उसको छुपा देते हैं या वो खुद छुप जाता है ठीक है तो ऑल दीज आर द प्रोनाउंस रेफर्ड फॉर सन हेयर एंड तभी वो सारे प्रोनाउंस को कैपिटलाइज करा गया है यहाँ पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम दी पोम टू शो दैट ग्रेट पोएट्री इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिन तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोम की कुछ लाइन्स बताओ एज एन एग्जाम्पल हमको बताओ कि वो ये कि वो जो लाइन्स है वो ये दर्शाती हैं कि ग्रेट पोएट्री एक अच्छी पोइट्री एक अच्छी पोम अगर आपको लिखनी है तो वो ग्रेट और अच्छी ऑब्जर्वेशन से होती है अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया है ध्यान से देखा है समझा है तो ही आप उसको अपनी लैंग्वेज में और ब्यूटिफुली उसकी पोम लिख सकते हो तो आंसर है द नेचुरल फिनोमिनन कीप्स टेकिंग प्लेस इन एवरी डे लाइफ एक नेचुरल फिनोमिनल चीज़ें एवरीडे लाइफ में होती रहती कि यानी कि अगर कोई आपके सामने चीज़ हो रही है और आप उसे ऑब्जर्व करो तो ये काफ़ी नेचुरल है हमारे सामने कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको ज़ाहिर सी बातें ऑब्जर्व है, करते हैं विच इज़ क्वाइट नेचुरल ह्यूमन्स आर नॉट कीन ऑब्जर्वर्स ऑफ इट एज दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद सो मैनी वर्ल्डी थिंग्स टू पे अटेंशन ऑन नेचर लेकिन अगर नेचर की बात करें तो ह्यूमन्स अपनी रोजमर्रा की एवरीडे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो नेचर पर पर्टिकुलरली ध्यान नहीं दे पाते द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम इलस्ट्रेट द ग्रेटनेस ऑफ ट्रीज ये जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स अभी मैं बताने वाली हूँ वो पोम से हैं और हमें ट्रीज़ की पेड़ों की ग्रेटनेस के बारे में बताते हैं कि ट्रीज आर सो मच ग्रेट ट्रीज़ आर द टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट सिग्नल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ नेचर ऑन अ समर डे अगर समर डे की बात करें तो ट्रीज़ काफ़ी टॉल हैं और बिगेस्ट सिग्नल हैप्पीनेस की क्योंकि सन की तेज़ धूप से हमें ये ट्रीज बचाते हैं अपनी छाँव दे के अपना शेड दे के दे आर डांसिंग इन दिंड एज देर सीम्ड टू राइज अ ट्यून फ्राम मनीचर क्रीचर्स अ कंपनी इंग द सन तो ये जो लाइन्स हैं ये पोम की लाइन्स हैं और ये हमको बताती हैं कि कैसे ट्रीज डांस कर रहे हैं विंड उनके बीच से आ रही है जा रही है और कितने ब्यूटिफुली ये सारी चीजें हमको दर्शा रहे हैं द सन्स ए of ऑफ क्लाउड to टू him। हिम ये भी लाइन्स जो है पोम की ही लाइन्स है ये एक्सपेक्ट करती है एक्सपेक्ट इट वॉज विम ऑफ हिज टू लेट दर्चिड ग्रो दिस इमेज शोज सन टू बी द मास्टर अब ये जो सारी लाइन्स है ये आपकी पोम की ही लाइन्स हैं और ये क्या शो करती है ये शो करती हैं कि सन क्या है हमारा मास्टर है एक तरीके से उसको किंग की तरह कंसिडर किया गया है क्योंकि उसको जो करना है वो कर रहा है फ्रीली जब मन कर रहा है बादलों के पीछे चुप रहा है जब मन कर रहा है बादलों के सामने ब्राइटली शाइन कर रहा है तो सन को यहाँ पर किंग की तरह कंसिडर करा गया है तो ये सारी चीज़ें जो ये सारी लाइन्स हैं ये एक इंसान तभी लिख सकता है जब उसने बहुत डीपली एंड बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है नेचर की इन सारी चीज़ों को The poem shows various happy shades of summer and how playful nature enjoys summer day. तो poem में बहुत सारे happy shades बताए हैं summer season के कि summer में ऐसा ऐसा देखते हैं poetess और तभी उन्होंने सारी चीजें mention करी हैं poem में The poetry is the result of keen observation by the poetess. इतनी beautiful poem जो है poem जो है हमारी poetess ने लिखी है वो कैसे लिखी वो अपनी कीन ऑब्जर्वेशन से यानी बहुत ध्यानपूर्वक जब उन्होंने ऑब्जर्व की चीजों को नेचर में और उस गार्डन में तब जाके उन्होंने एक एक चीज अपनी इस पोम में ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करी है ओके सो दिस ऑल अबाउट अर समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन हु इज द पोएट ऑफ द पोम ट्रीज ये जो हमारी पोम है जिसका नाम है ट्रीज इसके पोएट कौन है तो आपके सामने फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपको करना है टिक ऑप्शन नंबर ए ए के रामानुजन ऑप्शन नंबर बी एमिली ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू ईट्स या ऑप्शन नंबर डी जॉन मिल्टन सो जब हमने ये पोम कवर करी थी पढ़ी थी हमने ये पोम तो हमने क्लियरली पढ़ा था ऑप्शन नंबर बी एमिली डिकिंसन के बारे में जो कि इस पोम की पोएटिस है एमिली दिन समर डे में जाती हैं गर्मी का दिन होता है एक एक गार्डन या एक फील्ड में जाती हैं और फिर देखती हैं कि कैसे एक ब्यूटीफुल समर डे में अलग अलग साउंड आते हैं लीव्स की बर्ड्स की फ्लावर कैसे ब्लूम होता है तो उन्होंने इस पोम में ब्यूटिफुली बहुत अच्छे से एक समर डे को डिस्क्राइब किया है सो ऑप्शन नंबर बी एमिली डिकिंसन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट काइंड ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोम किस तरीके का डे कैसा दिन इस पोम में डिस्क्राइब करा गया यानी कि क्लियरली बताया गया है तो जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि समर डे गर्मी के दिन को बहुत अच्छे से इस पोम में एमिली डिकिंसन ने डिस्क्राइब किया so, है सो ऑप्शन है विंटर डे क्या सर्दियों के दिन को डिस्क्राइब किया है नो रेनी डे बारिश के डे को नो समर डे गर्मी के दिन को यस विंडी डे यानी एक ऐसा दिन जिस दिन बहुत तेज हवा हवा चल रही है तो ऐसा भी कोई दिन उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया सो ऑप्शन नंबर सी समर डे इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट व्हाट डज़ सल्ट्रीज ऑफ समर रेफर टू सल्ट्रीज ऑफ समर ये एक फ्रेज है जो आपकी पोम में दिया हुआ है तो पूछ रहे हैं कि सल्ट्रीज ऑफ समर रेफर टू यानी कि इसका क्या मीनिंग है तो सबसे पहले तो मैं आपको सल्ट्री का मीनिंग बता दूं कि सल्ट्री क्या होता है इस तरीके का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सैलट्री पी जो है साइलेंट होता है सैलट्री में इसलिए हम पी सैल्टी नहीं सैलट्री पढ़ रहे हैं तो ये एक सैलरी है जो एंशंट पुराने ज़माने में आ, जो भजन कीर्तन करने वाले जो लोग होते थे वो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते थे इसको बोलते हैं सैलट्री जब भी इसका म्यूजिक सुनते थे लोग तो वो उनके कानों को सुकून पहुंचाता था यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सुनने में अच्छा लगता था लोगों को तो सैलटरीज ऑफ समर का मतलब ये है कि समर डे के दिन वो क्या सारी चीजें आप उस गार्डन में सुन रहे हो और आपको अच्छी लग रही है तो बेसिकली जो जो भी आवाज जो भी आवाजें साउंड्स आप पे सुन रहे हो समर डे वाले दिन गार्डन में या फिर उस फील्ड में खड़े होके वो सैल्ट्री की तरह काम करे यानी कि सारे साउंड्स को सैल्ट्री से कंपेयर किया गया है सो so, ऑप्शन है सैलटरी ऑफ समर का मतलब होता है म्यूजिक ऑफ द सैल्ट्री इस सैल्ट्री का म्यूजिक तो इस सैल्ट्री के म्यूजिक की बात नहीं करी गई है सैल्ट्री के म्यूजिक को कंपेयर किया गया है उन अलग अलग साउंड से जो वहां पर समर डे के दिन हमें या एमिली डिकनसन को वहां पर सुनाई दे रही थी म्यूजिक ऑफ द समर समर के टाइम जो भी म्यूजिक जो भी संगीत जैसा निकलने वाला जो म्यूजिक आप सुनते हो क्या उसे सैलटरी ऑफ समर कहा गया है ये वी कैन से दैट कि ये एक आंसर हो सकता है म्यूजिक विच ब्रिंग इन समर ऐसा म्यूजिक ऐसा संगीत जिससे समर आए तो ऐसा कोई संगीत तो है नहीं कि जिससे समर आएगी तो समर आने के बाद धूप आने के बाद सूरज निकलने के बाद जो साउंड अलग अलग छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाज है बर्ड्स की आवाज है लीव्स के आपस पर टकराने की आवाज है उन सबको सैलरीज ऑफ समर कहा गया है ब्लेसिंग्स ऑफ समर समर सीजन के आने के बाद हम इंसानों के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स क्या क्या चीजें आशीर्वाद जैसा प्रतीत होती गया उनके बारे में बोला गया है नहीं क्लियरली इसमें म्यूजिक ऑफ समर की बात करी गई है यानी कि बर्ड्स का साउंड लीव्स का आपस में रसलिंग का टकराने का साउंड अलग अलग छोटे छोटे इंसेक्ट्स हनी बी की आवाज जो धूप के टाइम पे आती है हमको गार्डन में यूजली वो तो म्यूजिक ऑफ द समर को कंपेयर किया गया है सैलटरीज ऑफ समर से सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन थीम ऑफ द पूरी आपकी पोम है ट्रीज इसकी थीम क्या है Basically, क्या इस क्या इसमें पूरी में किया गया है? So, options है beauty of nature. क्या नेचर की है की बताई गई एक समर डे को डिस्क्राइब करते हुए तो यस वी कैन से दैट बोला गया है सेव आर एनवायरमेंट क्या इस तरीके का पोम है कि जिसमें एनवायरमेंट को बचाओ पेड़ मत काटो क्या इस तरीके की बातें कही गई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं बताया है पोम में पोम में तो क्लियरली एक ब्यूटीफुल समर डे को डिस्क्राइब करा गया है यानी कि नेचर की ब्यूटी सुंदरता को कुदरत की सुंदरता को डिस्क्राइब किया गया है सनशाइन क्या सनशाइन को बताया गया है सन sun की सनशाइन जो धूप है उसको जरूर बताया गया है लेकिन ये पर्टिकुलरली सिर्फ सनशाइन के ऊपर पोम नहीं थी जो सनशाइन की बात है वो ब्यूटी ऑफ नेचर में इंक्लूड हो जाती है जब नेचर की बात करोगे तो आप सनशाइन बर्ड्स इंसेक्ट्स गार्डन ट्रीज सबको इंक्लूड करोगे लेकिन पर्टिकुलरली सिर्फ सनशाइन की बात नहीं हुई है सबकी ओवरऑल बात हुई है ऑप्शन नंबर डी ऑफ यानी इनमें से कोई नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्लियरली ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है जिसमें ब्यूटी ऑफ नेचर कुदरत की सुंदरता को इस पोम में डिस्क्राइब किया गया है एंड वही हमारी थीम है नेक्स्ट वट काइंड पोएटिस कैन हेयर ऑन अ समर डे जब समर डे पे वहां पे उस फील्ड में घूम रही है हमारी पोएटिस एमिली डिक उंड kind of कौन से uh, kind of sound है, वो सुन पा रही है अलग अलग उनको मिनियचर क्रीचर यानी बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे हनी बी हनी बग्स छोटे छोटे ग्रास ऑपर तो ये सारे मिनियचर क्रीचर्स होते हैं तो जब आप आपने नोटिस किया हो होगा कि कभी भी आप इसे गार्डन में जा रहे हो तो आपको हनी भी की आवाज आ रही है बक्स की आवाज आ रही है बहुत हल्की हल्की आवाज तो ये जो मिनिएचर क्रीचर्स का साउंड है ये एक आपको आवाज आ रही थी यस yes. इसके बारे में क्लियरली आपकी पोम में मैंशनड भी है साउंड ऑफ द बर्ड्स यस बर्ड्स की चॉप करने की जो आवाज है वो बिल्कुल आ रही है वो भी क्लियरली है आपकी पोम में साउंड ऑफ द लीव्स वेन हिटिंग ईच अदर पेड़ की जो पत्तियां है जो डालियां हैं जो एक दूसरे को हिट कर रही है हवा चल रही होगी हल्की फुल्की तो वो पत्तियां एक दूसरे को हिट कर रही है तो वो जो पेड़ की पत्तियों के सूखी लीव्स के आपस में एक दूसरे को जो टकराने की आवाज है वो भी आ रही है यहाँ पे पोएटेस को तो यस ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव ये सारे ऊपर के तो यस ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन ये सारे साउंड हमारी पोएटेस ने उस समर डे पे सुने थे उस फील्ड में नेक्स्ट वाई वॉर सन शोन होल एट इंटरवल्स ये जो सन था जब वहां पर एमिली डिकनसन खड़ी हुई थी तो सन उनको होल यानी पूरा फुल होल बोले तो फुल इंटरवल्स में यानी हर थोड़ी थोड़ी देर में दिख रहा था यानी कि उनको क्लियरली पूरा सन एक साथ वहाँ पे नहीं दिख रहा था उनको पूरा सन जो है हर थोड़ी थोड़ी देर में दिख रहा था कि हाँ पहले सन ये रहा फिर वो बादलों के पीछे छुप जा रहा था फिर थोड़ा आधा दिख रहा था फिर पूरा दिख रहा था तो ये जो सन है ये इंटरवल्स में यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में होल पूरा क्यों दिख रहा था एक बार में कंप्लीटली पूरा क्यों नहीं दिख रहा था हमारी पोएटिस को सो so, ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज अ रेनी डे क्योंकि वो रेनी डे था बारिश का मौसम था इसलिए काले बादल छाए हुए थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो तो समर डे को डिस्क्राइब कर रही थी बिकॉज इट वॉज अ विंडी डे क्योंकि बहुत विंडी डे था बहुत हवा चल रही थी आसमान साफ नहीं था क्लियर नहीं था इस वजह से सन उनको होल यानी पूरा एक बार में नहीं दिख रहा था तो ऐसा भी नहीं विंडी डे भी नहीं वो तो समर डे को डिस्क्राइब कर रही थी क्लियरली बताया बिकॉज इट वॉज अ क्लाउडी डे क्योंकि वो क्लाउडी डे था यानी कि समर डे तो था ही था लेकिन जो स्काय था जो आसमान था पूरा क्लाउड से बादलों से ढका हुआ था तो इस वजह से बादलों के पीछे सन बार बार छुप जा रहा था फिर आ रहा था फिर छुप जा रहा था नॉट पोम पोम में पोमेंशनड नहीं है तो बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल क्लियरली पोम में mentioned है कि क्योंकि बहुत सारे क्लाउड बहुत सारे क्लाउड जो थे आसमान में छा गए थे इस वजह से सन हमारी पोइटेस को होल एक बार में नहीं दिख रहा था इंटरवल्स में दिख रहा था यानी थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सेप्ट इट वर अ अम ऑफ हिज़। व्हाट दीज़ लाइंस रेफर टू इन द पोम? आपकी पोम में एक लाइन एक फ्रेज यह दिया हुआ है एक्सेप्ट इट वर अ अम ऑफ हिज इन लाइन का क्या रेफरेंस है यानी कि क्या मीनिंग है अब ये हिज कौन है इस लाइन में हिज है सन स को बोला गया है? यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज करा गया है सन के लिए विम का मतलब क्या होता है विम का मतलब होती है जिद तो यहां पे पोम में ये एक्सप्लेन करा गया था इस लाइन में कि पोटिस को एक बार में पूरा नहीं दिख रहा था सन क्यों क्योंकि बहुत सारे बादल छाए हुए थे आसमान में लेकिन सन जो थोड़ी थोड़ी देर में इंटरवल्स में दिख रहा था वो भी सिर्फ इसीलिए दिख रहा था क्योंकि ये उसकी विम थी ये सन की जिद थी कि वो बाहर आए क्यों क्योंकि सन के बिना ये धरती नहीं चल पाएगी धरती में ट्रीज को सबको क्या चाहिए सनलाइट चाहिए इंसानों को एनिमल्स को सबको तो क्योंकि फलों के बागान जो ऑर्चिड्स होते हैं ये सन की जिद थी कि के भाई मैं आऊंगा बाहर तो ही तो ये बागान उगेंगे इसमें से फल निकलेंगे ट्रीज को फोटोसिंथेसिस के के प्रोसेस के लिए भी सनलाइट की जरूरत पड़ती है तो इन सारी चीजों की अगर जिद ना होती सन को सन के अंदर तो वो बाहर नहीं आता नहीं तो वो ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए अंदर ही छुप जाएगा इतने सारे बादल थे क्योंकि ठीक है तो आंसर है ऑप्शन है सन स्विम टू लेट दी दर्चिड ग्रो क्योंकि सन की विम थी उसकी जिद थी कि उसको ऑर्चिड यानी कि फलों के बागानों को ग्रो करना है इसीलिए वो बार बार बाहर आ रहा था ताकि उनको सनलाइट पहुंचा सके येस yes, बिल्कुल क्लियरली ऐसा है आपकी पोम में सन स्विम टू प्रोवाइड सनलाइट वो बाहर आ ही इसीलिए रहा था क्योंकि उसकी जिद थी कि उसको वो दुनिया को सनलाइट प्रोवाइड करनी है क्योंकि सनलाइट के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती सन स्विम टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सन की विम थी ये जिद थी कि इसको कॉन्ट्रीब्यूट करना था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें एक प्लांट को अपना खुद का फूड बनाने के लिए एयर वाटर सनलाइट की जरूरत पड़ती है अब एयर वाटर तो मिल जाएगा सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा खाना कैसे बनेगा पेड़ हम लोगों के लिए खाना कैसे बनाएंगे तो ये सन की कहीं ना कहीं जिद थी कि भाई फोटोसिंथेसिस के के प्रोसेस लिए उसको अपनी सनलाइट देनी है बाहर आ रहा था नहीं तो बादल तो बादल इतने छाए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ नंबर डी ऑल ऑफ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन यही वो तीनों जिद थी हमारे सन की नहीं तो वो तो छुपा ही रहता बादलों के पीछे नेक्स्ट वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैलिक्स आपकी पोप में एक वर्ड यूज किया गया कैलिक्स इसका मतलब क्या होता है जब छोटी सी फूल की फ्लावर की कली होती है तो वो कली को ऊपर से उसकी जो छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, वो उसको ढक के रखती है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इट्स ये रोज रोज प्लांट है फॉर एग्जाम्पल ठीक है दिस इज रोज ये पूरा फ्लावर है ये फ्लावर कंप्लीट फ्लावर है ठीक अगर यही एक कोई कली होती ये कली इस तरीके से बंद होती ये कली इस तरीके से बंद होती तो जो ये ग्रीन कलर की कली ढाकी हुई है इसको हम बोलते हैं कैलिक्स ओके okay. तो ये होता है कैलिक्स एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर फ्लावर ओके तो ये कैलिक्स का यहाँ पे क्या मीनिंग बोला गया है तो कैलिक्स का ये बोला गया है कि समर डे में शायद एमिली <laughs> वहां पर एक फ्लावर देख रही है या छोटी सी कली देख रही है जो कैलिक्स से ढकी हुई है यानी कि जब कैलिक्स कटेगा यानी जब कैलिक्स खुलेगा तो उसमें से एक ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लूम होएगा यानी के बाहर आएगा तो इस कैलिक्स वर्ड का क्या मतलब है तो स्मॉल ग्रीन लीव प्रोटेक्ट अ फ्लावर बिफोर इट ओपि तो छोटी छोटी ग्रीन लीवस जो एक फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती है अभी फ्लावर जो है खिला नहीं है ब्लूम नहीं हुआ ब्लूम होने से पहले यानी खिलने से पहले जब वो कली होती है और कली के ऊपर जो वो ग्रीन कलर की लीव्स होती है जो अंदर पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती है उसे हम कहते हैं कैलिक्स स्टेम ऑफ द फ्लावर फ्लावर की जो स्टेम होती है टहनी ये पोर्शन क्या ये कैलिक्स होता है नहीं ये तो स्टेम होता है टहनी होती है पेटल्स ऑफ द फ्लावर फ्लावर की पेटल्स कलिया कलियों को कैलिक्स बोलेंगे कलियों को तो पेटल्स बोलते हैं ना तो ये भी नहीं होगा नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए ये जो ग्रीन लीव्स होती है इसी को कैलिक्स कहते हैं नेक्स्ट वॉट फ्रेज हिंडर्ड फ्लैग्स Refer to from the poem. Poem में एक फ्रेज एक लाइन में hindered flags word use हुआ है। इसके क्या रेफरेंस है यानी कि वट डज दिसनिंग क्या है हिंडर्ड फ्लैग्स का सो हिंडर्ड फ्लैग का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब एक फ्लैग होता है जब एक झंडा जो होता है जब हम फहराते हैं तो वो बिल्कुल खुल जाता है लेकिन जब उस झंडे को बंद करके रखते हैं अभी उसको है। है। तो उस तो उस है। उस फ्लावर अभी ब्लूम नहीं हुआ है। वो कली है, अभी बंद है जैसे झंडा अभी फहराया नहीं गया वैसे कली अभी खुल के फ्लावर नहीं बनी अभी अंदर ही है तो उस हिंडर्ड फ्लैग को कंपेयर करा गया उस कली से जो अभी खुला नहीं है जैसे फ्लैग को फहराएंगे तो वो कितना ब्यूटीफुल दिखेगा उसी तरह जब फ्लावर भी कली से बाहर निकलेगा ब्लूम हो जाएगा तो वो कितना ब्यूटीफुल दिखेगा तो वहां पर जो हैं गार्डन में हिंडर्ड फ्लैग्स की तरह यानी कलियों के फॉर्म में उन छोटी छोटी फ्लावर्स को देख रही हैं तो यहाँ फ्लैग्स का क्या मतलब है फ्लैग्स दैट आर हॉइस्टेड वो फ्लैग्स वो झंडे जो हॉइस्ट कर दिए गए हैं यानी फहरा दिए गए हैं बिल्कुल भी नहीं ये तो एक इनकरेक्ट मीनिंग होगा फ्लैग्स दैट आर नॉट येट हॉइस्टेड वो फ्लैग्स जो अभी तक हॉइस्ट नहीं हुए हैं यानी फहराए है, नहीं गए हैं तो we can say that की एक आंसर हो सकता है 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 इनको कंपेयर करा गया गया उन flowers से जो अभी तक नहीं नहीं हुए यानी कि खिले तो बिल्कुल यही हमारी में बताया ये ऑप्शन नंबर डी बोथ बी यानी कि बी एन सी दोनों ही सही है तो यस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट

डेलिएशन यानी कि कोई भी डिस्क्रिप्शन जो जो एक जो एक आर्टिस्ट या पेंटर अपनी पेंटिंग्स में दिखाता है फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पेंटिंग बनाई मैं एक पेंटर हूँ एक आर्टिस्ट हूँ मैंने एक पेंटिंग बनाई तो उस पेंटिंग में जो भी चीजें मैंने दर्शाई है डिस्क्राइब करी है पब्लिक को या फिर व्यूअर को समझाने की कोशिश करी है वो डेलिनीशन होता है तो यहाँ पे किसी बेसिकली पेंटर का नाम यहां पर आएगा जिसके डेलिनीशन की बात हो रही है यानी जिसके पेंटिंग्स के डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है और वो हमेशा यूजुअली समर डे या नेचर से रिलेटेड कुछ अपनी पेंटिंग्स बनाता है ओके सो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले तो विंसेंट क्या विंसेंट वो पेंटर था नहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आपकी पोम में वैंडीक्स यस वैंडीक्स वो पेंटर है जिसके बारे में आपकी पोम में मैंशन किया गया है पैब्लोपिकासनो Peter Paul Snow, इन दोनों के बारे में ही कुछ मैं नहीं है आपकी पोम में राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन है कि उन लोगों के साथ कितना mean, कितना बुरा हो रहा है जो वैंडिक नाम के पेंटर की डेलिनीशन और पेंटिंग्स देख के ये समझने लगते हैं कि वाह यही नेचर है नेचर कितना खूबसूरत है कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है लेकिन उन लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है क्योंकि वो लोग तो लाइव पेंटिंग देख ही नहीं पा रहे या लाइव इस दुनिया को एक गार्डन में या फील्ड में आके देख ही नहीं रहे अगर वो आएंगे लाइव देखेंगे गार्डन को इस समर डे को तो वो फील कर पाएंगे कि ये दुनिया जो रियलिस्टिक दुनिया है ये जो रियलिस्टिक नेचर है जो दुनिया नेचर की ब्यूटी है वो कितनी ज्यादा है इस पेंटिंग से तो कहीं ज्यादा है इस नेचर की ब्यूटी तो यहां पर हमारी एमिली डिकिंसन कहती है कि उन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है जो ये समझते हैं कि वेंडिक की जो नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स होती हैं वो सबसे अच्छी होती है ऐसा कुछ नहीं होता एग्जैक्टली exactly जब रियल नेचर को आप अनुभव करते हो एक्सपीरियंस करते हो वो ज्यादा ब्यूटिफुल है ओके okay? नेक्स्ट वट काइंड पोइटिक डिज यूज इन द पोम इस पोम में किस तरीके का पोर्ट्रिक डिवाइस यूज किया गया है बेसिकली पोम में अलग अलग पोल्टिक डिवाइस यूज होते हैं लेकिन एक कॉमन पोर्ट्रिक डिवाइस जो हर जगह पोम में यूज हुआ है वो है इमेजरी क्या यूज हुआ है इमेजरी इमेजरी वो पोर्ट डिवाइस होता है जिसमें पोइट यूजुअली इमेजिन करता है चीज़ों को कल्पना करता है और समझता है कि अच्छा यहाँ ऐसा हुआ होगा वैसा होगा तो काफ़ी पूरी जो पोम है यूजुअली इमेजिनरी है क्योंकि वो सन को इमेजिन कर रही है कि सन तो ऐसा हो रहा है हिंडर्ड फ्लैक्स को इमेजिन कर रही है कि इससे उन फ्लावर से जो अब तक कली है और फ्लावर के फॉर्म में ब्लूम नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं पूरी पोम पूर में ओवरऑल इमेजरी यानी इमेजिनेशन काफी यूज हुई है ऑक्जीमोर ऑक्मोर क्या होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं पोम में यानी इन एंड आउट ये इन एंड आउट दोनों क्या है एक दूसरे से ऑपोजिट है और दोनों साथ में किसी लाइन में फॉर एग्जाम्पल यूज होने चाहिए तो ऐसा कोई दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज नहीं हुए हैं कहीं पोम में थर्ड है ऑलिट्रेशन ऑलिट्रेशन वो पोइटिक डिवाइस होता है जिसमें एक ही लाइन में जो वर्ड्स दिए हैं उनके फर्स्ट लेटर्स कॉन्जोनेट वर्ड्स हैं जैसे वावल्स क्या होते हैं ए, ए आई, ओ, यू। ये हमारे वावल्स होते हैं इनको छोड़ के जितने भी सारे लेटर्स होते हैं जैसे बी सी डी एफ ये सारे कॉन्जोनेट होते हैं तो किसी लाइन में जो सारे वर्ड्स यूज हुए हैं या दो वर्ड्स भी आपस में अगर साथ में यूज हुए और उन फर्स्ट वर्ड्स के जो लेटर्स हैं, वो वर्ड्स हैं, यानी सेम होने चाहिए, इसका भी बी तो इसका भी बी तो उसे हम ऑलिट्रेशन कहते हैं तो ऐसा भी कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है नन ऑफ दी दब हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए इमेजरी नेक्स्ट विच प्रोनाउंस आर यूज इन द पोम टू रेफर द सन पूरी पोम में सन को रेफर करने के लिए यानी सन को दर्शाने के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज हुए हैं तो सबसे पहला प्रोनाउन समझो कि प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर लगाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अनिशा इज अ गुड गर्ल अनिशा इज अ टीचर अनिशा इज वेरिंग अ ब्लैक टी शर्ट फर्स्ट लाइन में मैं अनिशा यूज कर लूंगी कि ठीक है अनिशा इज अ गुड गर्ल लेकिन मैं बार बार अनिशा अनिशा थोड़ी बोलूंगी आई विल से शी इज अ गुड गर्ल शी इज वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट या हर 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 बुक्स आर सो मेनी शी हैज़ सो मेनी बुक्स कुछ भी तो ये हर हर सेल्फ शी और एट ये सारी चीजें जो भी होती हैं ये सारे प्रोनाउंस के वर्ड्स होते हैं तो सन के लिए यहां पे कौन से प्रोनाउंस यूज करे गए तो क्लियरली यहां पे हिम यूज हुआ है यस yes. हिज भी यूज हुआ है पोम में और हिमसेल्फ भी यूज हुआ है बेसिकली तीनों ही प्रोनाउंस यूज हुए हैं दैट मीन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वेन द विंड ब्लोज वॉट हैपन टू द लीवस पोएट जब वहां गार्डन में खड़ी हुई है तो उन्होंने नोटिस किया कि जब विंड ब्लो हो रही है यानी कि जब हवा चल रही है तब लीव्स के साथ या लीव्स को क्या होता है तो जब वहां हल्की फुल्की हवा चल रही थी तो जो लीव्स थी वो आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी जैसे सूखी पत्तियां होती है या फिर जो भी लीव्स वहां पे ब्रांच में या फिर ट्री में वहां हैंग कर रही है वो एक दूसरे को टकरा रही थी और उनके टकराने की जो साउंड निकलता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है तो ये हो रहा था वहां पे लीव्स के साथ तो दे फॉल डाउन Leaves गिर गई टूट के नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था उड़ के कहीं और चली गई लीव टूटी उड़ के कहीं चली गई तो ऐसा तो कुछ भी है आपकी पोम में दे हिट एंड स्विंग विद ईच अदर यानी सारी लीव आपस में हिट कर रही थी और स्विंग हो रही थी यानी झूले जैसी पूरी ब्रांच पर झूल रही थी तो यस yes, ये बिल्कुल क्लियरली ऐसा मैंशन है आपकी पोम में दे मेक अर रसलिंग साउंड रसलिंग दो चीजें आपस में बहुत टकराती तो रसल की आवाज आती है तो लीव्स की आवाज हल्की फुल्की हो सकती है लेकिन रसल एक दूसरे से बहुत जोर से टकराए ऐसी कोई साउंड वहां पे नहीं थी सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सो चिल्ड्रन हियर वी कम टू द द एंड ऑफ सेशन आई होप आपको इस पोम के सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं वहां ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे इस तरीके के आपको एक पेज दिखेगा जहां पे फ्लमिंगो विस्तास क्लाइडोस्कोप सबके सेपरेट ऑप्शन गेवे फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइडोस्कोप बुक के वीडियोज देखने तो उस पर क्लिक करिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोज आ जाएंगे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करके रखी लिया फॉर एक्जाम्पल मैं इस वीडियो को देखना चाहूंगी तो उस पर क्लिक करूंगी एंड जैसे ही क्लिक करूंगी मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पे क्लियरली वीडियोस नहीं समझ में आ रही या नहीं मिल रही है आपको तो आप इजिली कैसे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर